ना लुक एट दीज पार्ट्स ये सारे पार्ट्स आपने ख़ुद करने हैं यू हैव टू ट्राई दीज पार्ट्स बाई योर सेल्फ ये आपकी प्रीवियस जो वीडियो थी हमारी उसी वीडियो से लाइक करते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था उसी क्वेश्चन के बेस पे ये सारे पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे क्लियर स्टूडेंट्स जो ये सिक्स सेवन एट नाइन्थ टेंथ पार्ट हैं इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना इन वैल्यूज़ को देखने की जरूरत नहीं है आपने सिंगल नीचे वाली जो टर्म्स हैं इनको देख के सोल्व करना है जैसे एक पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा इस तरह से वैल्यूज़ गिवन है आपने इन सबको ऐड करना है टेन वैल्यूज़ हैं टेन पे डिवाइड कर देंगे ये सब ऐड होकर आपके पास बन जाएगी फोर थ्री फोर फोर जीरो डिवाइड बाई टेन विच इज़ इक्वल टू फोर थ्री फोर फोर ये आपका मीन आ जाएगा इसी तरह आप मीडियम के लिए डाटा को अरेंज करेंगे अरेंज करने के बाद पेरिंग वन 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 दो रह गए इन दोनों को प्लस करेंगे और टू पे डिवाइड कर देंगे जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास सेवन एट सेवन फाइव डिवाइडेड बाई टू विच इज़ इक्वल टू थ्री नाइन थ्री सेवन पॉइंट फाइव क्लियर और मॉड में आपके पास जो रिपीटेड वैल्यू है जो रिपीटेड वैल्यू है वो आपके पास है टू फाइव डबल जीरो ये आपका मॉड आ गया क्लियर स्टूडेंट्स नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में आप देखें इस तरह से आपके पास क्वेश्चन गिवन है कहते हैं आप पर्सन परचेज फॉलोइंग फूड आइटम्स ये इस तरह से एक टेबल गिवन है कहते हैं एवरेज बतानी है आपने फूड आइटम्स की तो इसके लिए आपका यही टेबल है इसमें आपको एक कॉलम और की एडिशन करनी है और उसमें आप क्या करेंगे क्वान्टिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट क्वान्टिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट क्वान्टिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट और फिर आपको देखें एंड योर आंसर आप इसको इस तरह से क्वांटिटी जो है ये आपका वेट है और ये आपके एक्स है तो अब आपको डब्ल्यू एक्स फाइंड करना है यानी इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे टेन मल्टीप्लाई बाय नाइन्टी सिक्स विच इज़ इक्वल टू नाइन सिक्सटी इसी तरह ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय फोर्टी एट फोर मल्टीप्लाई बाय वन नाइन्टी थ्री मल्टीप्लाई बाई नाइन्टी फोर टू मल्टीप्लाई बाई सिक्स फिफ्टी क्लियर तो ये आपके पास क्या बन जाएगा अब इन सब को आप ऐड कर देंगे और यहाँ आप इस सारी क्वांटिटी को ऐड कर देंगे क्लियर और अब आप इसको डिवाइड कर देंगे इससे यानी थ्री सेवन फोर थ्री डिवाइडेड बाय थर्टी वन विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ में आपका आंसर आएगा वन ट्वेंटी पॉइंट सेवेंटी फोर क्लियर लुक एट दिस क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन नंबर वन की तरह होगा इसको आपने खुद ही करना है उसी तरह मीन फाइंड करना है सबको ऐड करके फिर मीडियम फाइंड करना है फिर मॉड फाइंड करना है ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई ना लुक एट दिस क्वेश्चन इसमें भी आप उसी तरह से करेंगे ये आपका एफ़ है ये आपका एक्स है आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिखते जाएंगे इस तरह आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे देन आप इसको डिवाइड करेंगे फोर ज़ीरो टू डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी सेवन एंड आवर आंसर इज थ्री पॉइंट टू ये आपका मीन आ गया इसमें मॉड फाइंड करना है तो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है फ्रिक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है टू की तो आपका मॉड क्या आ जाएगा टू क्लियर ये आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है फाइंड द क्लास मार्क एंड मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी टेबल इसके दो कॉलम हमारे बनेंगे क्लास मार्क जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप क्लास इंटरवल्स को ऐड करते हैं टू पे डिवाइड करते हैं तो क्लास मार्क आ जाता है फिर आप इस या जो क्लास मार्क आएगा इसको सेवेंटीन से मल्टीप्लाई करके एफ़ एक्स फ़ाइन करेंगे तो मैं करके दिखा अब उसी तरह से एफ़ एक्स भी आपने फाइंड कर लिया ठीक है एफ़ोर एक्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे इन सब वैल्यूज़ को ये आ जाएगा आप इनको ऐड करेंगे और ये वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो आएगा। fx, ये आएगा सम ऑफ एफ एक्स यानी ये डिवाइडेड बाय दिस तो इट बिकम्स टू फाइव टू फाइव नाइन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टू फोटी वन विच इज़ इक्वल टू 104.81 ये आपका मीन आ गया क्लास स्टूडेंट्स नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें भी आपके पास क्लास इंटरवल है फ्रीक्वेंसी है दो कॉलम बनेंगे एक क्लास मार्क का और एक एफ एक्स का और उसी तरह से आपने मीन फाइंड करना है यानी एवरेज फाइंड करनी है तो वही फार्मूला है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फाइव में किया है सेम उसी तरह करेंगे क्लियर होप यू आल एट अंडरस्टैंड अबाउट दिस एक्सरसाइज एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू तो इसकी एक्सरसाइज जो है वो खुद करेंगे और जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस क्वेश्चन नंबर सेवन और जो है वो आपने नहीं करना क्लास स्टूडेंट्स